मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की आहट सुनाई देते ही तमाम राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का एक सम्मेलन दीनदयाल चौक के पास आयोजित किया गया, जिसमें शामिल प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने कहा कि वे महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जिला स्तरीय वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम महाकौशल कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव में चयनित हुए युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। जबलपुर अब इंदौर से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वर्ष 2000 के पहले के जबलपुर में और अभी की संस्कारधानी में बहुत अंतर है। ये सब संभव हुआ है भाजपा की सरकारों की वजह से, ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। कोरोना से स्वस्थ होने पर 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं कोरोना का एक नया केस सामने आया है और एक्टिव केसों की संख्या 17 शेष रह गई है। विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू जगदम्बा कॉलोनी में सोने घरों को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति भी चोरी कर ली। चोरी की ये वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को एसटीएफ की टीम ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इनामी आरोपी रुपिंदर पाल सिंह छाबड़ा मदन महल का रहने वाला है और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 26 देशों में 8000 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। आगामी चुनावों में तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती से उभरने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी तैयारी में जुटी है। इसी सिलसिले में पार्टी की एक अहम बैठक अम्बेडकर चौक स्थित सामुदायिक भवन में सम्पन्न हुई। तमरहाई में तुलजा भवानी देवी की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से की गई। देवी भक्तों ने बताया कि तुलजा भवानी के भारत देश में केवल 2 ही मंदिर हैं, एक पूना में है और दूसरा जबलपुर में। श्रीलंका और भारत के मैच पर हार जीत का दांव लगवा रहे एक सटोरिये को लाडगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने राइट टाउन स्थित हिंद सागर अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पेट्रोल डीजल में कांग्रेस ने लगाई आग। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। कांग्रेस को नहीं है आंदोलन का अधिकार। रमेश मेंदोला चौथी बार बने मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। निर्विरोध हुआ चुनाव। पीडी शर्मा उपाध्यक्ष और दिग्विजय सिंह बने सचिव। विश्वास सारंग ने किया कमलनाथ पर कटाक्ष। कहा घूमने जाना है इसलिए कर रहे हैं मानसून सत्र की तिथि आगे बढ़ाने की मांग। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा फिजिकल एजुकेशन पर सरकार कर रही है फोकस। जबलपुर सिहोरा नेशनल हाईवे पर लूट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। चौथाई के जंगल में छुपे थे लुटेरे। लूटी गई रकम मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जिला स्तरीय वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम महाकौशल कॉलेज में आयोजित हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव में चयनित हुए युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए संकल्पित है। महाकौशल कॉलेज में आयोजित हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव में सिलेक्ट हुए युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस योजना की सराहना करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके जरिए हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल चुका है। ये योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने में कारगर साबित हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो अच्छी चीज है इससे बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे। मैं खासकर प्लेसमेंट से संबंधित जो स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस योजना है, भारत सरकार की योजना, इन्हें मिलकर के लगभग क्षेत्र के अंदर पूरे अंचल में 8000 के आसपास लोगों को प्लेसमेंट कराया है।
कुछ शिकायतें भी मिली है, आगे पीछे उनकी जांच कराएं। महाकौशल कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस के संयोजक डॉक्टर अरुण शुक्ला ने भी कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम की जानकारी दी। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव की, जिसमें 3200 से भी अधिक बच्चों ने भाग लिया हमारे जबलपुर जिले के, और जिसमें 300 से अधिक बच्चे सेलेक्ट हुए। यहाँ पर उनको ऑफर लेटर दिलवाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने युवाओं से अपने अनुभवों को भी साझा किया। जबलपुर अब इंदौर से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वर्ष 2000 के पहले के जबलपुर में और अभी की संस्कारधानी में बहुत अंतर है, और ये सब संभव हुआ है भाजपा की सरकारों की वजह से। ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर का तेजी से विकास हुआ है और ये सब भाजपा सरकार की वजह से संभव हुआ है। वहीं उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए बेहतर कार्यों की भी जानकारी दी। साथ ही ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के डर से वामपंथी और टीएमसी एक हो गए हैं, ताकि भाजपा बंगाल में ना आ सके। 2000 के पहले का जबलपुर और 2000 के बाद का जबलपुर, ऐसे ही सिर्फ जबलपुर की बात नहीं, आप इंदौर की बात करें, आप उज्जैन की बात करें, आप सागर की बात करें, जिस शहर में जाएंगे आप ग्वालियर की बात करें, यदि डेवलपमेंट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के समय ही हुआ है। और इसलिए जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है। प्रदेश में भी विकास हुआ तो आप याद करिए, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब की बिजली की हालत, तब की सड़कों की हालत, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सड़कों की हालत और बिजली की हालत, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए लोग अब समझदार हो गए और मुझे उम्मीद है कि नगर निकाय के चुनाव होंगे तो एक बार सब जगह फिर भारतीय जनता पार्टी जीते। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप पर उनके कार्यकर्ताओं को ही भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में अस्थिरता का माहौल है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की आहट सुनाई देते ही तमाम राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का एक सम्मेलन दीनदयाल चौक के पास आयोजित हुआ, जिसमें शामिल प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने कहा कि वे महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा संगठन का एक सम्मेलन जबलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि आज पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे में उनकी पार्टी महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरेगी। 40 लाख मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता इकट्ठा करना है, ये कार्यक्रम उसी उद्देश्य में किया गया था। जबलपुर में 1.5 लाख कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है, जो सीमांत सिंह सोलंकी के माध्यम से पूर्ण होगा। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व सांसद मधुकर कोकड़े ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर उनकी पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमें पेट्रोल डीजल के अंदर बड़ा से पूरी महंगाई बढ़ चुकी है, इन्हें सामान्य आदमी की गैसी महंगी हो रही है। 2014 में जब गैस के रेट 400 रुपये थे, इन्हीं लोगों की महंगी है, आज 950 गैस हो गई है। पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस क्रम में आंदोलन कर रही है और ये चाहती है कि महंगाई कम हो जाए। अगर शरद पवार जी के नेतृत्व में सरकार आ जाएंगी इसमें अंकुश लगेगा। बहरहाल नगरीय निकाय चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस कैसी भूमिका निभा पाती है फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन वो कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने की कोशिश जरूर कर रही है। देखना बाकी है कि वो विकल्प बन पाती है या नहीं। कोरोना से स्वस्थ होने पर 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं कोरोना का एक नया केस सामने आया है और एक्टिव केसों की संख्या मात्र 17 रह गई है। रविवार को जारी हुई 6538 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से मात्र एक व्यक्ति ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि संस्कारधानी वासियों के लिए राहत भरी खबर है।
वहीं 24 घंटे में 4 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इन्हें मिलाकर 49,910 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। एक्टिव केस भी घटकर मात्र 17 रह गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई है। आगामी चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती से उभरने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी तैयारी में जुट गई है। इसी सिलसिले में पार्टी की एक अहम बैठक अंबेडकर चौक स्थित सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। पार्टी के सदस्यों ने बताया कि जिला स्तरीय बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई और पदाधिकारियों द्वारा जनता के बीच पहुंचकर उनका भरोसा हासिल करने और जनहित के कार्यों में प्रमुखता से सक्रिय रहने का संकल्प लिया गया। आने वाले चुनाव को देखते हुए जिसमें अभी लॉकडाउन में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजर का काम भी किया गया था, उसी में सभी चीज़ों की समीक्षा करते हुए आज जिला की बैठक ली है आने वाले चुनाव को देखते हुए, और ये हमारा कंटिन्यूस रहता है। हमने जब से लॉकडाउन खुला है तब से अभी सभी वर्करों को सेक्टर के बूथ के और सदस्यता अभियान जबलपुर में जो निरंतर चल रहा था उसकी समीक्षा को लेकर आज यहाँ चर्चा हुई है, और जिस तरह से आगे और काम को गति देना है तो पार्टी में हमारे जोन इंचार्ज साथीगण सभी जिले के साथीगण इसको हम लोग गति देंगे और जहाँ जहाँ अभी कमियाँ हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। तमरहाई में तुलजा भवानी देवी की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से की गई। देवी भक्तों ने बताया कि तुलजा भवानी के भारत देश में केवल दो ही मंदिर हैं, एक पूना में है और दूसरा अब जबलपुर में है। तमरहाई स्थित मंदिर में मां तुलजा भवानी की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से की गई। देश में तुलजा भवानी का ये दूसरा मंदिर है। देवी भक्तों ने बताया कि अब संस्कार धानी में भी मां तुलजा भवानी कृपा बरसाएंगी और भक्तों का कल्याण होगा। एक बहुत अच्छी बात है कि लगातार गुप्त नौ रात्रि में 9 दिन लगातार 24 घंटे हवन का कार्य हुआ। सारी जनता ने लोगों ने क्षेत्रीय जनता ने आकर हवन किया। बड़े हम गौरवान्वित उनको पुनः इस बात के लिए धन्यवादित करते हैं। पहला मंदिर पूना में है और दूसरा मंदिर आज ये जबलपुर में ये स्थापित किया गया है, और इसकी स्थापना के लिए लगातार 9 दिन का यज्ञ अभिषेक भी किया गया है और काफ़ी बहुत तरीकों से स्थापना 5 दिन की गई इसमें और अखंड भवन चल रहा है। मूर्ति स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू जगदम्बा कॉलोनी में सोने घरों को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवर सहित भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति भी चोरी कर ली। चोरी की ये वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। न्यू जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाले अक्षय जैन का परिवार कटनी में अपने रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने गया था। उसी दौरान 15 जुलाई की रात को चोरों ने धावा बोलकर अलमारी के लॉकर में रखे 2,70,000 रुपए सहित सोने के जेवरात पार कर दिए। हम लोग कटनी के पास त्योरी है, वहाँ शादी में गए थे 13 तारीख को, और 15 को पापा गए थे रात को 10 बजे, और यहाँ चोरी हुई 2 बजे। जब लौट के आए तो क्या देखा आपने? लौट के आए तो सब दरवाजे खुले थे, सब सामान फैला था। लगभग कितने का सामान गया और नगद कितना चोरी है? नगद करीब 270 गया और थोड़ा सोना गया, बाले चैन है। पुलिस ने शिकायत की? हाँ। वहीं कॉलोनी में रहने वाले तुलसीराम तिवारी ने बताया कि वो भी 13 जुलाई को गोटेगांव गए थे, उसी दौरान चोरों ने उनके घर में भी दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। आके देखा तो ये अपना मेन गेट था, मेन गेट में अंदर बाहर हमारा ताला लगा हुआ था, तो उस ताला को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उनने वो वहाँ से कूद के आए और कूद के आके अंदर घुस के उनने एलडाप लगा दिया और यहाँ घुस के ये सेंट्रल लॉक वगैरह तोड़ताड़ ली, सब सेंट्रल लॉक तोड़ताड़ के अंदर के खोल खाल के वहाँ से कवर्ड में से वो दिवाली के गणेश जी और लक्ष्मी जी और माताराम का एक टोड़ल था वो ले गए चांदी का, और सिक्के थे चांदी के दिवाली वाले 10-12 वो ले गए, और 5 1,50 की गड्डी थी और 10-10 की 3 गड्डियाँ थी।
चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विजयनगर पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को एसटीएफ की टीम ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया इनामी आरोपी रुपिंदर पाल सिंह छाबड़ा मदन महल का रहने वाला है और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 26 देशों में 8,000 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। गिरोह ने 2017 से 2019 के बीच भारत के अलावा हांगकांग, चीन, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर सहित अन्य देशों में अपना जाल फैलाया था और करोड़ों रुपयों का हेरफेर किया था। इस गिरोह के सदस्य ब्रजेश और उसकी पत्नी सीमा विनीत यादव और रुपेश राय पूर्व में ही एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन रुपिंदर फरार था और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। श्रीलंका और भारत के मैच पर हार जीत का दांव लगवा रहे एक सटोरिये को लालगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने राइट टाउन स्थित हिंद सागर अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। सटोरिये के कब्जे से 7,500 रुपए नगद, टीवी, 4 मोबाइल सहित लाखों के लेन देन का हिसाब किताब रखने वाली डायरी जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच और लाडगंज पुलिस ने राइट टाउन स्थित हिंद सागर अपार्टमेंट में रहने वाले राहुल श्रीवास्तव के घर पर दबिश देकर उसे क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए गिरफ्तार किया है। लाडगंज पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दी गई दबिश के दौरान राहुल को भारत और श्रीलंका के मैच में सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके पास से 4 मोबाइल फोन, 1 टीवी और 7,500 रुपए नगद सहित एक डायरी भी जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच की सूचना पे क्राइम ब्रांच की टीम के साथ उक्त 302 हिमसागर अपार्टमेंट में पुलिस की रेड पड़ी तो राहुल श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति जो है उक्त अपार्टमेंट में सट्टा खिलाते हुए मिला, जिसके पास से नगद 7,500 रुपये और 1 टीवी, सेटअप बॉक्स और 4 मोबाइल उसके प्राप्त हुए हैं। और इससे बाकी कौन कौन सट्टे कौन खिलवा रहा था, कैसे खिलवा रहा था, बाकी इससे पूछताछ जारी है। हाँ, इसमें रजिस्टर प्राप्त हुआ, इसमें उसमें लाखों की लिखा पड़ी जिक्र है, अभी इसी बारे में पूछताछ की जा रही है। पूर्व को रिकॉर्ड किया पूर्व में, ये गढ़ा थाने में भी जैसा पूछताछ में अभी तक पता चला है, गढ़ा थाने में 4 साल पहले सट्टे की कार्रवाई में, ये क्रिकेट सट्टे की कार्रवाई में इसके ऊपर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राहुल 4 साल पहले भी सट्टे के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ब्रांडेड उत्पादनों के शौकीनों के लिए श्याम टॉकीज हॉल पारस पैलेस में श्रीहरि डायरेक्ट फैक्ट्री सेल लगाई गई है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के शोरूम के रेडीमेड गारमेंट्स, किड्स मेंस वेयर, साड़ियां, कुर्तियां, ब्रांडेड लेडीज जीन्स सहित कारपेट्स और मेकअप किट भी उपलब्ध हैं। पारस पैलेस में श्री हरि डायरेक्ट फैक्ट्री सेल में रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों के साथ ही एक ही छत के नीचे मेंस, किड्स और वुमेन्स वेयर की एक से बढ़कर एक वैरायटी उपलब्ध है। मेंस वेयर का फ्रेश और कूल स्टॉक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है, जिसमें 5,000 से 7,000 तक की कीमत वाले ब्रांडेड जीन्स मात्र 699 रुपए में उपलब्ध हैं। वहीं शर्ट्स, टी शर्ट और लोवर भी वाजिब दामों पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा किड्स वेयर में जीन्स शर्ट, फैंसी टी शर्ट सहित बच्चों के फैंसी प्लाजो, लेगी, जेगिंग और टॉप की भी शानदार वेरायटी उपलब्ध है। पारस पैलेस श्याम टॉकीज में मालवी चौक, मैं अपना श्री सेल के नाम से अपना सभी अपने जबलपुर वासियों के लिए अपने ये कपड़ों की ब्रांडेड कपड़ों की अपने सेल खोली है। इसमें अपना लेडीज़ में, लेडीज़ वेयर में, गर्ल्स वेयर में और मेंस वेयर, किड्स वेयर में अपना ढेर वैरायटी लेके आए हैं। हमारे यहाँ मेंस वेयर में बोला जाए तो अपना ब्रांडेड जीन्स जो कि मार्केट में 7,000 से 8,000 रुपये वाली जीन्स जो है वो हमारे यहाँ सिर्फ 699 में आपको दे रहे हैं, 699 रुपये में। और दूसरी जगह अगर देखते हैं किड्स वेयर अपने यहाँ बहुत ही ढेरों वैरायटी अपने यहाँ पाई गई हैं, जैसे कि अपने यहाँ टी शर्ट, लोवर, जीन्स है ना, अपने जो जबलपुर के जितने भी मतलब कि बड़े से बड़े ब्रांडेड है, अपने कोलकाता जैसे बड़े महानगर हो गए, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गई है ना, ऐसे जैसे बड़े से बड़े महानगरों के अपने जो बंद किए हुए कंपनी के हैं, ये सारा लॉट जो है सिर्फ एक ही छत के नीचे आपको मिल रहा है अपने सी सेल में। लेडीज वेयर में अपना अनेकों वैरायटी आई है, तो जैसे कि अपने जीन्स हो गई, लेडीज में कुर्तीज़ हो गई और अपना प्लाजो हो गया, हैरम हो गया है ना, लेगीज हो गई, लेगीज में भी अपने बहुत सारे अपने पूरे फुल साइज की मिल जाएंगे, अपने XL, XXL, XXL तक अपने सारे साइज में सारे उपलब्ध है।
सेल में महिलाओं और युवतियों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ ही जयपुर की कुर्तियां, फैंसी प्लाजो, लेगीज, टॉप और मैसूर सिल्क साड़ियां, रेशम सिल्क, जामदानी सिल्क, पश्मीना सिल्क, कोसा सिल्क, पटोला सिल्क, बनारसी सिल्क, साउथ सिल्क कलकत्ता और साउथ कॉटन का बेहतरीन कलेक्शन बेहद कम दामों पर उपलब्ध है। वहीं कारपेट, टॉवल, डोरमेट, बेडशीट की एक से बढ़कर एक श्रृंखला मौजूद है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।